मुंबईर कल्याण ईस्ट्रे 50-50 स्थित श्री नामदेव सदन प्रांगण में श्रीमद भागवत गीता पाठ कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएगी। प्रवासी ओडिया युवक सुशांत जेना, अवसरप्राप्त रेलवे पुलिस कर्मचारी रमेश बंसोड़े, समाजसेवी रमन झा समेत किसी स्थानीय बासिंदा सहयोग में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होता। 8 दिन धरी प्रत्येक दिन सन्धार पंडित शास्त्री आदित्य कुमार झा भागवत पाठ करते। श्री नामदेव सदन बासिंदा समेत स्थानीय लोक भागवत कथा शुणुते। समाजसेवी मनोज दुबे, सत्येन्द्र पांडे, चंदेश मिश्र, शशिकांत तिवारी, त्रिलोकीनाथ पांडे, भरत पांडे, विनोद विश्वकर्मा, विपिन चौधरी, संदीप चौधरी, अखिलेश पटेल प्रमुख कार्यक्रम में सहयोग करते। कार्यक्रम शेष दिन में समस्त महाप्रसाद सेवन व्यवस्था होता। महिला समाजसेवी विदिशा बाग एवं उत्कल युव समिति कल्याण सदस्य मैंने उपस्थित रही कार्यक्रम परिचालन में सहयोग करते। सभा का आयोजन हुआ, यहाँ पे 7 दिन चला, 18 तारीख से 24 तारीख तक। नीलेश पांडे हमारे यजमान, इन्होंने अपने द्वारा भागवत कथा करवाया। पंडित श्री आदित्यनाथ झा जी और आचार्य संजय मिश्रा और हमारे कीर्तन मंडली में यहाँ पे कृष्ण मोहन जी, रमन जी, रमन राय जी, ये सब लोगों ने खूब योगदान किया। और यहाँ नामदेव सदन के नामदेव सदन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी सदस्य थे, सब लोगों ने इतना सहयोग दिया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और आज महाप्रसाद का वितरण हो रहा है, जिसमें अभी तक 500 से अधिक लोग खा के जा चुके हैं और अभी भी हमारे इधर काफ़ी भीड़ लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। आइए मैम। और यहाँ कल सेवा समिति है, वो भी हम लोगों के सहयोग में थे, सहयोग दिए और अभी भी। विदिशा वाग महाराष्ट्र पुलिस फैमिली संगठन के संस्थापक अध्यक्ष, आज यहाँ भागवत गीता का जो श्री नामदेव सदन में रहीवासियों ने जो किया हुआ कार्यक्रम है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से सहयोग मिला है सभी का। उसी तरीके से जो है सेक्रेटरी अध्यक्ष, उन्होंने सब लोगों ने मिलके जो सहयोग किया है, जितने पब्लिक आज दिख रहे हैं, 500 के ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे भोजन के लिए आए हुए हैं, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश का विकास हो रहा है। उसी तरीके से जो श्री नामदेव सदन की जो सेवा करने वाले जो पब्लिक है, या कोई रहीवासी है, या आजू बाजू वाले जो हैं, उनके लिए जो भगवद गीता आज देखो, आप देख रहे हो सभी जगह पे बच्चे लोग हैं, बड़े लोग हैं, भगवद गीता से बहुत दूर रह रहे, जो भी देख रहे हो सब मोबाइल में, आप मोबाइल में, मैं मोबाइल में, लेकिन आप जब सुनते हो भगवद गीता यहाँ पे, सभी लोग नहीं करते। आज श्री नामदेव सदन के जित रहीवासियों ने इतनी बड़ी सोच है कि भगवद गीता पारायण यहाँ पे हुआ, तो सभी सदस्यों का हर साल ये होना चाहिए, ये विनंती करती हूँ मैं मेरे दोस्तों। 18/7/2023 से श्री नामदेव सदन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था और आज महाप्रसाद का लास्ट दिन है। इसमें हम श्री नामदेव सदन तथा श्री भागवत कथा के सभी सदस्य तथा उत्कल युवा समिति के इन सदस्यों ने इस प्रोग्राम में सहयोग किया, उसके लिए श्री नामदेव सदन की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। मुंबई रो वीडियो जर्नलिस्ट पवित्र पाणिग्राही जगन्नाथ पढ़ियाणी रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज रूम।